नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं और मुद्दा यह है कि जो अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो मुखिया हैं उन पे एलिगेशंस लगाए गए हैं कुछ लड़कियों के द्वारा जो रेसलिंग करती हैं और देश के लिए कई सारे मेडल्स उन्होंने जीता है। उनका कुछ एलिगेशंस है कि उनके साथ सेक्सुअली मोलेस्टेशन हुआ या फिर सेक्सुअली हैरेसमेंट के केसेस हुए हैं और इसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हो रहा है। इसके लिए उन्होंने कंप्लेंट भी दिया है पुलिस में, बट पुलिस क्या करती है, FIR दर्ज नहीं कर रही। शायद इस वजह से क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो काफी ताकतवर, शक्तिशाली, पॉलिटिकली एक्टिव और बहुत ही मजबूत व्यक्ति है, कई सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं, तो इस वजह से पुलिस शायद वो FIR नहीं कर रही। तो चूंकि हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं और आजीवन रहेंगे, तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके दिमाग में भी आता होगा कि FIR दर्ज कराने के लिए क्या लॉ है। लॉ शायद आप जानते होंगे, लॉ क्लियर है कि यदि कोई ऐसा कंप्लेंट जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसका कंटेंट डिस्क्लोज करता है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने का, यदि ऐसा कंप्लेंट पुलिस के पास गया है तो पुलिस की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि वो FIR फोर्थविथ करे। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP, इसमें क्लियर कहा गया कि इफ अ कंप्लेंट डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस देन पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR। उसमें क्या सही है क्या गलत है वो बाद में देख लेंगे, इन्वेस्टिगेशन जब होगा तब देख लेंगे, लेकिन आपको रजिस्टर तो करना पड़ेगा। तो ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि यहां पे जो भी लड़कियां 5-6-7 जो भी एलिगेशंस लगा रही है उसमें यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की बात हो रही है तो पुलिस का काम रजिस्ट्रेशन तो करना है FIR का। लेकिन यदि दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, इट मींस व्हाट, इट इज इन वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन व्हिच हैज बीन लेट डाउन इन ललिता कुमारी जजमेंट। ये तो बात क्लियर है, इसमें कोई एम्बिग्युटी नहीं है। मैं कई बार अपने वीडियो में लॉ स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जो आप किताब में पढ़ेंगे ना वो फॉलो नहीं होता प्रैक्टिस में। किताब में नए नए बच्चे आएंगे लॉ पढ़ करके, उनको लगेगा कि जी इसमें तो लिखा हुआ है कि FIR दर्ज करना है, ललिता कुमारी का जजमेंट है, तो ऐसा होना चाहिए, एक्चुअल में नहीं हो रहा, आप क्या कीजिएगा। फिर आप कहेंगे ठीक है जी नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं हम 156(3) में या उससे पहले सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास चले जाते हैं 154(CRPC), वहां से नहीं हुआ तो 156 में चले गए मजिस्ट्रेट के पास, वहां से रजिस्टर करा देंगे। ये तब तो पढ़ा होगा आपने, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, चेंज, क्या हो गया चेंज, प्रेजेंट सिनेरियो में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला। तो भैया ये तो पढ़ा नहीं होगा आपने, क्योंकि सिस्टम है और उसको ब्रीच करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे पुलिस को कि रजिस्ट्रेशन हो FIR का। तो सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई काम ही नहीं है, तो आपने यही पढ़ा होगा कि भाई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएंगे फिर मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, लेकिन यहां भी नहीं फॉलो हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो किताब में लिखी बातें हैं ना प्रैक्टिस में वो फॉलो हो जरूरी नहीं है, जानना चाहिए लेकिन प्रैक्टिस में नहीं होगा, इसीलिए प्रैक्टिस डिफिकल्ट होता है। मैं एग्जांपल देकर के आपको बात कर रहा हूं, दो एग्जांपल दिया अभी जिससे पता लग गया होगा कि साहब किताब में कुछ और लिखा है, होता कुछ और है। एक और बात आपके दिमाग में उठता है और यदि नहीं उठता तो मैं बताता हूं, कई बार हायर कोर्ट में वकील का फेस वैल्यू भी काम करता है। जैसे यदि कोई यंग एडवोकेट ये केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चला जाए फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब फाइल को उठा फेंके, आई एम वेरी श्योर। लेकिन आप एक कौन मेंशन किए, कपिल सिब्बल साहब, वही सुनना तो पड़ेगा। तो फेस वैल्यू भी कई जगह काम आता है, कई जगह यंग होने का नुकसान है, कई जगह यंग होने का फायदा भी है। खैर जो भी हो, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस यदि डिस्क्लोज कर रहा है, यदि कंप्लेंट दिया गया है तो पुलिस को रजिस्टर करना चाहिए। और कोई पहली घटना नहीं है, ऐसे कई सारे वारदात हुए, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जहां पे यदि सामने वाला व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल है तो FIR दर्ज नहीं किया जाता। कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं ललिता कुमारी जजमेंट में, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि किन हालात में नहीं होगा FIR डायरेक्ट दर्ज। तो 4-5 कंडीशंस दे रखे हैं, जिसमें पहला है यदि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होगा, फैमिली डिस्प्यूट्स होगा, तो भैया आज बीवी से लड़ गए, पहुंच गए पुलिस स्टेशन और पुलिस यदि तुरंत FIR दर्ज कर ले तो पता क्या होगा, फैमिली कभी रिकनसाइल नहीं कर पाएगी। इसलिए कहा कि जी नहीं, फैमिली मैटर्स में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले CAW दिल्ली में CAW सेल को भेजते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाले सेल में चलाते हैं, पहले उसको काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद जाकर के ये करते हैं। कॉमर्शियल ऑफेंसेस में, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में कई सारे ऐसे जानबूझ करके नाम दे दिया, जानबूझ करके परेशान कर दिया तो पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखा गया। मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में आपने किसी डॉक्टर साहब का नाम ले लिया कि जी इन्होंने ऐसा किया है, और उस सिचुएशन में यदि पुलिस तुरंत FIR कर ले और तुरंत उठा के जेल में डाल दे तो पता क्या हो, पता नहीं अगले दिन हो सकता है कि 10 मरीज का वहां ऑपरेशन, उनका लिस्ट लगाओ, सबकी जान जा सकती है, तो इसलिए यहां पे रखा गया है। करप्शन के केसेस में बोला कि पहले देखेंगे, कई बार चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ ना कुछ करप्शन लगा दिया, हो सकता है झूठा लगा दे, तो पहले आप क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उस पर तहकीकात करेंगे, उसके बाद करेंगे। फिर एक लास्ट है कि यदि कोई केस जो काफी डिले हो गया उसको फाइल करने में, इनऑर्डिनेट डिले जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है,
तो भाई डिले क्यों किया आपने? यदि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं तो वो डायरेक्ट एफआईआर नहीं होगा, अदरवाइज एफआईआर होना ही है यदि कोई कंप्लेंट डिस्क्लोज करता है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये तो लॉ है। लेकिन एक और याद में दिलाऊं आपको बात, केपीएस गिल साहब का। केपीएस गिल साहब अपने एक किसी पार्टी में किसी महिला के साथ बदतमीजी किया था, और वो महिला कोई आम महिला नहीं थी, वो महिला खुद आईएएस ऑफिसर थी, उसके हस्बैंड भी आईएएस ऑफिसर थे, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ कई महीनों तक। बाद में हाईकोर्ट के इंटरवेंशन से चीजें जो है बदली थी। तो ऐसा होता है कि जब सामने वाला व्यक्ति काफी इन्फ्लुएंशियल हो तो लॉ को ताक पे रखा जाता है, जो कि गलत है। मैं मेरिट पे बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं सही हो, ये भी सकता है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हो सकता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भाई मेरिट पे आप बात ना करें अभी इस स्टेज पे, लॉ स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूं। यदि आप जजमेंटल हो जाएंगे इनिशियल फेज में तो एक अच्छे वकील नहीं बन सकते, इसीलिए कभी जजमेंटल नहीं होना। जज का काम है जजमेंट देना भाई, वकील का नहीं है। आपको बिल्कुल रेशनली सोचना है। ये स्टेज नहीं है जहां पे आप मेरिट पे डिसाइड करें यहां ये ऐसा किया होगा वैसा किया होगा, वो तब का तब देखेंगे जब इन्वेस्टिगेशन होगा, तहकीकात होगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप इमोशनली चार्ज होते हैं, जैसे किसी का इनकाउंटर हुआ, कोई गलत व्यक्ति है या फिर बहुत सारे मर्डर्स किए हैं उन्होंने, बहुत सारे केसेस उसमें पेंडिंग है, पुलिस ने उसको मार दिया और आपने माला पहनाना शुरू कर दिया, होता है हमारे देश में होता है, बाद में पता चलता है फर्जी इनकाउंटर। यदि कोई व्यक्ति गलत किया है तो एज पर लॉ उसको पनिश करेंगे ना, यहां पे रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ मैन नहीं है। जब मर्जी आए किसी को गोली मार दो, ऐसा नहीं होता है। तो इस चैनल पे चूंकि लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉ एस्पिरेंट्स हैं, तो मेरा ये काम है कि आपको लीगल क्या सही है, आपको सोचना कैसे चाहिए, ये चीज मैं बताऊं। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सील्ड कवर को देखा कि क्या है उसमें कंप्लेंट, और देखा और कंप्लेंट में उन्होंने लगा कि कुछ सीरियस एलिगेशंस हैं। इसके बाद उन्होंने रिप्लाई मांग दिया दिल्ली पुलिस से कि भाई आप रिप्लाई कीजिए, फ्राइडे तक का उनको टाइम दिया गया। अब फ्राइडे को क्या होना है वो तो हम तब का तब देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन फिर एक और आपके दिमाग में उठना चाहिए कि यदि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए ऑर्डर करने लगे तो बाकी जो लोअर कोर्ट है तो रिडंडेंट हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, हर कोई रश करेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस होगा जहां तक मेरा लीगल एक्यूमेन कहता है। तो ऑब्वियस सी बात है रूल सबके लिए एक है, सही क्या है गलत क्या है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि यदि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है तो देश में कुछ गड़बड़ जरूर है, ये बात तो पक्की है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो पहले की तरह इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी जो आपका लीगल एक्यूमेन को बढ़ाए मैं लगातार लाता रहूंगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।